ब्रेक के बाद स्वागत है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मायावती सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर मौजूद रहीं। बसपा ने 23 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में अयोध्या से प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी की शुरुआत की थी। आज लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर इस अंतिम प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का समापन हुआ। इस दौरान सभी 75 जिलों के सम्मेलनों के ब्राह्मण कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। आबादी के लिहाज से प्रदेश में लगभग 13% ब्राह्मण है। कई विधानसभा सीटों पर तो 20% से ज्यादा वोटर्स ब्राह्मण ही है। ऐसे में हर पार्टी की नजर इस वोट बैंक पर टिकी है। पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार की हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है।